तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ पे इस टच स्क्रीन के स्क्रीन गार्ड के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर हम स्क्रीन गार्ड को अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके ऊपर यहाँ पे लगाएंगे। इसके लिए मुझे बहुत कमेंट आ रहा था एक सब्सक्राइबर का, रोज़ ही कमेंट आ रहा था कि स्क्रीन गार्ड के ऊपर रिव्यू बनाइए, स्क्रीन गार्ड के ऊपर रिव्यू बनाइए। तो इसलिए मैंने वो स्क्रीन गार्ड ऑर्डर कर लिया है यहाँ पर, और अब यहाँ पे वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और देखेंगे। वैसे तो कार की टच स्क्रीन पर ज़्यादा स्क्रैचेज नहीं होते, जैसे कि अभी एक साल होने को है मेरी कार को, अभी कोई भी स्क्रैच नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसको यूज भी कौन करता है। वैसे दिन में दो चार बार ही टच होता है, लेकिन जब आपकी ऐसी डिमांड आ रही थी, आपने बार बार एक सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि बार बार प्लीज प्लीज लगा के बोल रहे थे कि स्क्रीन गार्ड मंगाओ रिव्यू करो, तो मैंने यहाँ आपकी ख्वाहिश के ऊपर इसको मंगा लिया है। और इस चैनल पर जो भी वीडियो आ रहे हैं, जो आपकी पसंद से ही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। आप देख सकते हैं पिछले एक मंथ में यहाँ पे 150 सब्सक्राइबर ही बढ़े हैं, और यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे यूट्यूब से यहाँ पे कोई भर भर के पैसे आ रहे हैं। मैं आपको अगले एक वीडियो में बता दूंगा कि YouTube से कितने पैसे आए और YouTube पर कितना अभी तक खर्चा हो चुका है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दिया करो और एक कमेंट कर दिया करो, जिससे कि मुझे यहाँ पे हौसला मिलता रहे। जब आप ऐसे सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो और वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आते, तो यहाँ पे ऐसे मन नहीं करता है वीडियोज़ बनाने का। अब आपके कहने पर ही मैंने यहाँ पे ये चीज़ मंगाई है, आपके कहने पर ही मैंने एक दो चीज़ें और मंगाई है, जिसका भी कि मैं आगे रिव्यू करने वाला हूँ। और यहाँ पे इस चैनल पर जितने भी वीडियोज है वो आपके कमेंट्स के ऊपर ही बने हुए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और यहाँ पे वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने कुछ दोस्तों के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस स्क्रीन गार्ड के ऊपर, जैसा कि इसका यहाँ पे ये है इनवॉइस, जिसमें कि आप देख सकते हैं इनवॉइस में लिखा हुआ है 349 रुपये, यानी 349 रुपये का ये स्क्रीन गार्ड है। ये इनवॉइस एकदम चिपकाने वाली है, जो अलग से डाल दी है उन्होंने, या आप कहीं चिपका भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसका पीछे से उतर जाता है, ये उतर जाएगा और ये चिपक जाएगा। चलो इसको छोड़ो। ये है इसका स्क्रीन गार्ड, जैसा कि मैं अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन गार्ड एकदम फिक्स है, यहाँ पर बटन्स तक आ जाएगा। ये जो स्क्रीन गार्ड है, ये आप सभी टच स्क्रीन पर लगा सकते हैं, जो ऐसी साइज वाली आती है, क्योंकि स्पोर्ट्स मॉडल में आती है छोटी वाली। तो अगर आपको स्पोर्ट्स मॉडल के लिए स्पेशल कोई भी स्क्रीन गार्ड नहीं मिल रही है, तो आप इसको इतना काट सकते हैं कैंची से आराम से, क्योंकि ये एकदम प्लास्टिक होती है नरम, कोई भी यहाँ पे कोई ग्लास वगैरह नहीं होता है, जिसको कि आप आराम से काट के कहीं भी दूसरी जगह भी स्टिक कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे लेवल भी दिखा रखे है कि ये फर्स्ट है और इसको बाद में उतारना है, ये सेकंड नंबर का है। तो पहले ये साइड उतरेगी और उसके बाद ये चिपक जाएगी, और फिर ये साइड को आपको उतार देना है। फिर मैं आपको व्यू भी दिखाऊंगा कि कैसा लग रहा है। जैसे कि ये जो स्क्रीन गार्ड है, ये यहाँ पे किया सोनेट, सेल्टोस, क्रेटा वगैरह जितने भी हुंडई के मॉडल्स वगैरह आते हैं, जिसमें कि ऐसी स्क्रीन आती है, और जैसे कि मारुति की भी कुछ कार्स में ऐसी स्क्रीन आती है, तो उस स्क्रीन में आराम से फिट हो जाएगी। यहाँ पे ना आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पे इस मेजरमेंट से करके भी बता देता हूँ, ताकि आप अपनी टच स्क्रीन को यहाँ पे मेजर करके उसके हिसाब से ये मंगा सके। यहाँ पे ये 5 इंची तो चौड़ा है, और यहाँ पे इसकी लंबाई भी देख लेते हैं, 11 इंची ये लंबा है, जैसे कि ये मुड़ गया है, तो इसके हिसाब से आप अपनी स्क्रीन को नाप सकते हैं और उसके हिसाब से मंगा सकते हैं। इसकी लंबाई एक्स्ट्रा को आप काट देना। तो चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं। इस स्क्रीन गार्ड के साथ हमें यहाँ पे स्क्रीन को साफ करने के लिए एक क्लॉथ वगैरह ये मिलता है, जिसे कि सभी स्क्रीन गार्ड के साथ मिलता है, और एक ये भी मिलता है हवा को बाहर निकालने के लिए। ये बहुत ही एकदम हार्ड वो है, हार्ड कागज़ का बना हुआ है,
तो इससे हम हवा को यहाँ से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं ऐसे। यहाँ पे इसमें टच भी आराम से पकड़ रहा है, एकदम परफेक्ट है। और इससे छोटी स्क्रीन के लिए भी परफेक्ट है, आप काट के लगा सकते हैं। मैंने साइज़ वगैरह आपको दिखाई दिया है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।